देयर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट फॉर यंग लर्नर्स लर्नर्स जो है यंग लर्नर्स जो है वो हमारी आउटकम है हमारे प्लान की हमारे पॉलिसीज की हमारे प्रोसेस की कई डिकेट गुजारने के बाद और एक ग्लोबल विजन को लेकर चलने के बाद जहाँ पे हमने दावा किया कि हम हर एक को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी एजुकेशन की और वैल्यूज़ की क्या क्वालिटी एजुकेशन के जो गोल्स हैं उनको हम हासिल करने में कामयाब हुए वो हमें कहाँ से पता चलेगा यंग लर्नर से पता चलेगा हमारी वैल्यूज़ हमारे लाइफ स्टाइल्स जो रिक्वायर्ड हैं फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर क्या वो लाइफ स्टाइल अख्तियार कर लिया गया पॉजिटिव जो सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन थी क्या वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई मैं उसके एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर गोल्स के अंदर ये बात की थी सेव वाटर आप देखिए हमने उसके ऊपर डिस्कस किया और उसके ऊपर बताया कि जी अगर हम कितना पानी जो है वो हम पीने के लिए और रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं कितना पानी हमें इरिगेशन के लिए यूज़ करना पड़ता है और अगर हम पानी को सेव नहीं करेंगे तो आने वाले वक्तों में हमें दोनों तरफ प्रॉब्लम हो सकता है हमें डेली यूज़ में भी हो सकता है हमें अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे इरिगेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है अब देखिए ये एक हमारा गोल था हम चाह रहे थे कि हमारा जो आज का बच्चा है उसके अंदर इतना शूर हो कि वो पानी के ज्या को अंडरस्टैंड करता हो और उसके बाद पानी को सेव करने के लिए जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं उसको वो अख्तियार करें अब देखें ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर पॉजिटिव सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मैंने आपको एक गोल की एग्जांपल दी है कि पानी के ज्या को रोकने के लिए यंग लर्नर्स क्या अमली इकदाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अगर तो वो अमली इकदाम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमने आउटकम है और जो हमारा प्रोसेस हुआ है उसके अंदर अलाइनमेंट है अगर वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है और हम वो आउटकम अचीव नहीं कर सके जिस आउटकम का हमने दावा किया था अब यूनेस्को ने अंदर जो है इंटीग्रेट कर दिया प्रिंसिपल्स को वैल्यूज़ को और प्रैक्टिस को तमाम आस्पेक्ट के अंदर एजुकेशन के अंदर और लर्निंग के अंदर हमारी मुख्तलिफ़ जो वैल्यूज़ हैं उनको भी उन्होंने देखा अब हमने बात की कि दो किस्म की वैल्यूज़ हैं एक वैल्यूज़ वो हैं जो मेरे मुल्क की हैं या मेरी मसहबी हैं या मेरे मजहब की वैल्यूज़ हैं और दूसरी हमारी शेयर वैल्यूज़ हैं अगर तो हम दोनों सूरतों में कामयाब हो गए हैं कि हम अपनी वैल्यूज़ को भी हमने सस्टेन कर लिया है और हम अपनी वैल्यूज़ को देखते हैं गौर करते हैं और साथ हम जो ग्लोबल वैल्यूज़ हैं जो शेयर वैल्यूज़ हैं क्योंकि मेंबर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी हम उसको भी अगर एड्रेस कर सकते हैं तो इसका मतलब है हमने अपने आउटपुट को जो है अटेन कर लिया अच्छा अगर हम इसके साथ साथ दूसरी बात करते हैं और वो ये है कि इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर ना सिर्फ गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व थी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे एनजी इन्वॉल्व थी जनरल पब्लिक इन्वॉल्व थी आप देखिए इस यंग लर्नर की जो आउटपुट है उसके बैक पर चाहे एनजीओ इन्वॉल्व है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है यूनेस्को इन्वॉल्व है उन तमाम की जो इन्वेस्टमेंट है प्रोसेस के अंदर वो भी हमें इस आउटपुट की सूरत में नजर आएगी कि उन्होंने कितना अचीव किया है और कितना वो अचीव नहीं कर सके